हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास. स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे. हमारे दो प्रैक्टिकल हो चुके हैं, एक तो बार पेंडुलम वाला जिससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, राइट. और नेक्स्ट जो हमने किया था वो इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट था, ठीक है. ये दो हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर चुके हैं, इनके कनेक्शंस भी मैंने आपको बताए हैं. बार पेंडुलम की टेबल वगैरह भी मैंने आपको सारी समझा दी थी कि कैसे कैसे आप उसकी वैल्यू जो रीडिंग्स वगैरह हैं आप उसको लेके चलोगे, ठीक है. अब हमें क्या करना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, आपको हाई रेजिस्टेंस की जो वैल्यू, हाई रेजिस्टेंस जो है आपको वो कैलकुलेट करना है. सपोज कोई आपको नॉन रेजिस्टेंस कोई दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है. ये हमारा क्या है, आज का प्रैक्टिकल है, ठीक. तो इसके अंदर जो हमने हाई रेजिस्टेंस का सर्किट जो हमने यूज किया है वो हमारे पास सर्किट डायग्राम ये है, और जो एपरेटस है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है. सभी को दिख रहा होगा, आई थिंक सभी को विजिबल होगा ये सारा, ठीक है. अपने कॉलेज का है ये, ठीक है, और सब देख सकते हैं इसी तरीके से हमारा ये होता है. अब हमें क्या करना है, इसके कनेक्शंस सीखने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो बात ये है कि एक्चुअली में जो हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का था, ठीक है, जो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे 12th क्लास के अंदर जब हमने किया था, जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बाद हमारे पास आया था, तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, राइट. व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम क्या करते थे, अननोन रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू. अब यहाँ पे अगर हम देखें अपने इस अपरेटस में, देखो ये क्या है, आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है. यानी कि इन्हीं तीनों में से किसी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे ऑब्टेन करनी है, राइट. तो कितनी इसकी वैल्यू होगी ये हमें देखना है. तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास होता है इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस के साथ डील कर रहा है. ये हाई रेजिस्टेंस जो ये यहाँ पे लेके चल रहा है वो मेगा ओम के अंदर लेके चल रहा है, यानी 10^6 ओम के अंदर. अगर इतना ज्यादा हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चलेंगे तो जो हमारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, कहाँ, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज लेके चलते हैं वहां पे, ठीक है. इसीलिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को हाई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. हाई रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों यूज नहीं किया जाता, वो मैंने आपको बताया है कि जो हाई रेजिस्टेंस है वो 10^6 पावर का जो ओम रेजिस्टेंस है उसको लेके चल रहा है. तो अगर इतना ज्यादा ओम लेके चलेगा वो, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस लेके चलेगा वो, तो जो गैल्वेनोमीटर हमारा किस में लगाया होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हम हाई रेजिस्टेंस को सिंपल हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में इसको यूज, उससे इस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे है कि आप क्या कर रहे हो, हाई रेजिस्टेंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है. और इसका एपरेटस इस तरीके का है, ठीक है. और जो सर्किट डायग्राम है वो आपने ये यूज किया है, तो पहले मैं इसके ना कनेक्शन सिखा देती हूँ, ठीक है. ऐसे जिसके अंदर मैंने वायर्स नहीं यूज करी है, लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं, ठीक है. एक बार इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, इसके लिए मैं आपके लिए लेके चलती हूँ, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ, ठीक है. व्हाइट बोर्ड ले लेती हूँ और एक बार इसके सारे कनेक्शंस जो है ना वो मैं आपको अच्छे से सिखा देती हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको क्या कर सको, बना सको पेपर के अंदर भी, ठीक है. और जो भी पेपर उसमें आए आप कनेक्शंस भी इजीली कर सको, ठीक. तो एक बार व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं. देखो ये हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया, ठीक है. हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे ना बैटरी लगा देते हैं, ठीक है. ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, ठीक है. इसको हम क्या करते हैं, एक साइड से कनेक्ट कर लेते हैं अपने गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है. और यहां से क्या काम करते हैं हमारा, ये हम क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस लेके चलते हैं. आप अच्छे से बना लेना इसको, ठीक है. अननोन रेजिस्टेंस ले लिया और इसी के साथ में हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एक अपना जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है ना वो बॉक्स ले रखा है,
ये क्या है मेरा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक। और ये यहाँ से किसके साथ कनेक्ट है मेरा, इसके साथ, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पिन कभी इसके साथ कनेक्ट करेंगे, कभी इसके साथ, ठीक है। और यहाँ से ये जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा मेरा, वो किसके साथ कनेक्ट होगा मेरा, गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है वो मेरा पैरेलल के अंदर है, किसके साथ मेरा, शंट के साथ, ठीक है। और ये यहाँ कनेक्ट है, ठीक। अब पहले इसका फिगर समझो पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि वहां ये उल्टा बनाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसको मैं मान के चल रही हूँ कि ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा कौन सा टर्म हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मेरा रेजिस्टेंस का जो सेकंड, जो आपका नॉन रेजिस्टेंस है, ये नॉन रेजिस्टेंस है जिसको मैंने आर से बोला है, ये मेरे पास क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है जिसको मैं एक्स से दिखा रही हूँ, ठीक है। ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। अब इसको मैंने हाई रेजिस्टेंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड ही क्यों बोला है, यहां से देख सकते हो। मैंने क्या कहा था, एक बारी इसको ये पुट करेंगे, एक बारी यहाँ पे ये की पुट करेंगे। इसका मतलब एक बारी आप कनेक्शन किसको लेके चल रहे हो, इस नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स को लेके चल रहे हो, ठीक है। अब नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे और यहाँ पे ये शंट है। एक्चुअली में क्या होता है, आपको शंट और जो नॉन रेजिस्टेंस है दोनों की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे आप, जी की वैल्यू, यानी कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो आपके पास है, यहाँ पे ये जो हमारे पास जी की वैल्यू है, यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे और फिर बाद में जो आपका अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आप उसके अंदर पुट करोगे इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये वाला, इसी के ऊपर क्या करते हैं, इस अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इसीलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं, यानी कि हाई रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपका मेगा ओम का जो आपका रेजिस्टेंस है, इसके ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा हाई रेजिस्टेंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। बहुत सारे मेथड है बेटा, जैसे लीकेज मेथड हो गया, सब्सटीट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू पुटिंग बाय, ठीक है, हम जस्ट पुट कर रहे हैं, इसके प्लेस पे इसको पुट कर देंगे एक्स को, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या काम कर रहे हो, यहां से देखो, यहां से देखो ध्यान से, आपने क्या काम किया है, एक बार ये हटा देती हूं मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपने क्या किया, बैटरी का एक टर्मिनल, ठीक है, आपने क्या किया, रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर जो आपका रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल है उसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कर दिया, ठीक है। तो फिर गैल्वेनोमीटर का सपोज ये आपका फर्स्ट टर्मिनल है, ये आपका सेकेंड टर्मिनल है, ठीक है, और ये भी आपका शंट का फर्स्ट टर्मिनल हो गया, ये आपका शंट का सेकेंड टर्मिनल हो गया, ठीक। तो हमारे पास जो इसका ये जो कनेक्शन होगा ना, ये करेगा इसके रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट, फिर जो फर्स्ट टर्मिनल होगा वो आपका किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, और वो ही फर्स्ट टर्मिनल हमारा पैरेलल में किसके साथ होगा बेटा, आपके शंट के साथ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो गैल्वेनोमीटर का सेकंड टर्मिनल है वो मेरे बैटरी के नेगेटिव के साथ, और जो हमारे पास शंट का सेकंड टर्मिनल है वो मेरे पास किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अगर ये कनेक्शन समझ में आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी फर्स्ट टेबल जो है उसको इजीली बता सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट टेबल को जो है वो इजीली बता सकते हैं। तो फर्स्ट टेबल को अगर इजीली बता रहे हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, देखो इसका क्या कर रहे हो आप, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपके इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रहे थे और इसका एक टर्मिनल आप गैल्वेनोमीटर के साथ, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, सोर्स है यानी बैटरी है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल है। ये मेरे पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस यानी कि शंट है ये, ठीक है, क्या है ये, शंट है।
और ये मेरे पास क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, यानी कि जो नॉन रेजिस्टेंस है आपके ये, और मैंने बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर है सर, सिर्फ इसकी डिफ्लेक्शन हमें शो हो रही है इसके अंदर, और इसकी हमें एक्चुअली में जी की वैल्यू नहीं पता होता, लेकिन जब हम इसके अंदर इसकी टेबल देखेंगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो जी की वैल्यू जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करते हैं, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारा शंट का जो आएगा वो ओम में रेजिस्टेंस प्लस में जो गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, हमारी जो हाई रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब जी को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर जी को कैलकुलेट करना है तो जी कैलकुलेट किससे होगा, आपका इस वाली टेबल से होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको रेजिस्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आप रेजिस्टेंस दोगे आपको गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उस डिफ्लेक्शन को लेके चल रहे हो। फिर हमें शंट का वो कनेक्शन करना है जिससे वो डिफ्लेक्शन कितनी हो जाए, आपकी हाफ हो जाए, ठीक है। और जिस आपके शंट की वैल्यू के ऊपर ये डिफ्लेक्शन हाफ हो रही है, आप क्या करोगे, उस शंट की वैल्यू को यहाँ लिख दोगे, आर की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों आपके पास आ जाएगी और आप इसके ऊपर ऑपरेट कर दोगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से है तो कनेक्शन देखो, यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बैटरी का पॉजिटिव आपके रेजिस्टेंस जो नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, जो मैंने पीछे सिखाया था उसके जैसे बना रही हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, इसके सेकंड टर्मिनल के साथ, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होगा, इसके सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका जो फर्स्ट टर्मिनल था नॉन रेजिस्टेंस का, वो आपके गैल्वेनोमीटर के एक वन फर्स्ट टर्मिनल जो है उसके साथ कनेक्ट है, ठीक है, यानी पॉजिटिव के साथ। इसका मतलब जो मेरे पास ये वाला टर्मिनल था, इसको मैं डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, इसके साथ, ठीक है, एक इसके साथ। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव को डायरेक्ट कनेक्ट किसके साथ कर रही हूँ, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव को डायरेक्ट कनेक्ट कर रही हूँ मैं किसके साथ, आपके जो ये वाला टर्मिनल था इसके साथ कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा था ये यहाँ से, कि ये जो आपका टर्मिनल एक और बच रहा था उसको कनेक्ट करो एज इट इज किसके साथ, शंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्मिनल जो बचेगा उसको मैं शंट के वन टर्मिनल के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। फिर जो आपका गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव है वो किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव है, ये मेरे बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। फिर आपका जो शंट है आपका, वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपका बैटरी के नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शंट को जो दूसरा एंड है आपका वो किसके साथ, एक मिनट, एक तो आपका किसके साथ कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव आपके इस टर्मिनल के साथ, ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा नेगेटिव है वो आपके शंट के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। देखो दोनों शंट हमारे किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है, तो पॉजिटिव गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव के साथ, ठीक है। हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे भी, पॉजिटिव को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, नेगेटिव गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से, ठीक। अब मैंने सारे कनेक्शंस बता दिए, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, सपोज आपने क्या किया, इसको आपने इसके हाई रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, और फर्स्ट टर्मिनल आपने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया था, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो आपकी नॉब है इससे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास जो नॉब है वो किसके ऊपर आ गई, 10 आपके गैल्वेनोमीटर पे 10 की डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो 10 की डिफ्लेक्शन हमने देख ली कि 10 डिफ्लेक्शन इसकी इनिशियल डिफ्लेक्शन कितनी है, 10 है। अब मैंने क्या कहा था कि इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, शंट की वो वैल्यू चूज करनी है जिसपे आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो आधी हो जाए, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, यहां से जो पॉजिटिव आपने एक इस टर्मिनल में डाला था, नेगेटिव इसमें डाला था, तो बार बार आप क्या करोगे, इनमें से निकाल निकाल के और उसमें डालते रहोगे, और ये देखोगे कि जो आपकी डिफ्लेक्शन है वो कब 10 से 5 पे आ गई, ठीक है। जिस डिफ्लेक्शन के ऊपर, जिस पे भी शंट की वैल्यू पे, लो रेजिस्टेंस की जिस वैल्यू के ऊपर वो दोबारा 5 पे आ जाती है, आपको वो नोट करना है, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है बेटा आपके किसमें है, सीरीज में है, इसका मतलब अगर इस और इसमें टर्मिनल में डालोगे तो 4 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक आपका जो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव इसमें डाला आपने और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव आपने इसमें इंसर्ट किया, तो ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, तो 4 किलो ओम प्लस में 2 किलो ओम, इसका मतलब ये कैसे काउंट होगा आपका, 6 किलो ओम काउंट होगा, ठीक है। इसका मतलब आप शंट की वैल्यू कितनी दोगे, यहाँ पे 6 किलो ओम दोगे, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या करनी है, यहाँ पे भी देखना है कि जब आप ये इतना किलो ओम लेके चल रहे हो तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी है,
ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू लेके चल रहे हो तो आपके जो गैल्वेनोमीटर है वो कितने डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो आपको नोट करनी है, ठीक है। अगर इसका यूज नहीं करोगे तो ये भी डिफ्लेक्शन शो करता है। सपोज आपने इसके अंदर और इसके अंदर इंसर्ट किया आपका, ठीक है, जो पॉजिटिव है वो आपने रेजिस्टेंस के सेकंड और जो ये वाला फर्स्ट टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर के इससे, ठीक है। तो अगर इस और इस टर्मिनल में डाला तो टोटल रेजिस्टेंस जो आपका है वो कितना हो जाएगा, आपका 200 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या करोगे आप यहाँ कि ये सारी की सारी वैल्यूज को पुट करोगे, ठीक है। ये टेबल समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 या 4 रीडिंग्स लोगे और फिर उनका क्या करोगे, मीन कैलकुलेट करोगे, ठीक। जैसे ही आप मीन कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक। और फिर आपने क्या करना है यहाँ पे उनको, जैसे जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, जो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है वो 2.1 × 10³ ओम इस तरीके से लगा लो, यानी कि 10³ ओम के अंदर अप्रोक्सीमेटली ये आ जाना चाहिए, ठीक है। 10³ ओम में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद देखो आपको क्या काम करना है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। ये किसके इक्वल है, जी इज इक्वल टू आर एस अपॉन में आर माइनस एस, ठीक है। यहाँ पे एस क्या आपका शंट रेजिस्टेंस है, आर आपका जो रेजिस्टेंस बॉक्स की उसमें से जो आपका मेगा ओम का रेजिस्टेंस आप दे रहे हो वो आपका रेजिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट टेबल पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा जो बैटरी का पॉजिटिव है वो इसके एक टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट वाले से, और जो सेकेंड टर्मिनल है वो डायरेक्टली मेरे को किसको देना पड़ेगा, अपने गैल्वेनोमीटर को देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपका फर्स्ट टर्मिनल, आप यहाँ पे देखो ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, अगर इसको सेकेंड से कर रहे हो तो इसको दूसरे से करना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं इसको क्या कह रही हूँ कि ये मेरे पास फर्स्ट होता और ये मेरे पास सेकेंड होता, इसका मतलब क्या है, अगर ये फर्स्ट है तो इसको सेकेंड से कनेक्ट रखा था और ये सेकंड है तो इसका मतलब ये फर्स्ट है, तो यानी कि बैटरी का पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, अपने रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल के साथ। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, दोबारा बनाना पड़ेगा आई थिंक, ये रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट लिया था और मैंने कहा था ये अपना सेकंड है, ठीक है, और ये मैंने की बना दी आपकी थर्ड। तो पहले तो जो आपने रेजिस्टेंस फर्स्ट टेबल के लिए लिया था वो 3 और 1 का कनेक्शन किया था, ठीक है, किसका कनेक्शन किया था, 3 और 1 का कनेक्शन किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 और 2 का कनेक्शन करना है। अगर ये हमारे पास 2 है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस को किससे कनेक्ट करना है, बैटरी के पॉजिटिव को अननोन रेजिस्टेंस के बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस के बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है तो इसका मतलब देखो यहाँ से इस टर्मिनल को हम इसके फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, फिर अगर ये हमारे पास फर्स्ट है तो इसका मतलब ये सेकंड है, सेकंड किससे कनेक्ट होएगा, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, फिर इसका सेकंड टर्मिनल किससे, गैल्वेनोमीटर के इससे कनेक्ट होएगा, फिर गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो हमारे पास शंट से कनेक्ट होएगा, फिर जो नेगेटिव है वो किससे कनेक्ट होएगा, बैटरी के नेगेटिव से, और दूसरा टर्मिनल जो है वो शंट के सेकेंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट होएगा, जैसा हमने पीछे वाले उसके लिए किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करना है आपको, आपको क्या काम करना है, जैसे ही आपने इसके अंदर देखा, जैसे ही आपने इसके अंदर इस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस के उसमें मैंने क्या किया, अब सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, अभी मैंने ये लगा रखा था, ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर लगाया है, ठीक है, इसके अंदर जब मैंने लगाया है तो मैंने एज इट इज क्या किया, इसके अंदर जब बैटरी के पॉजिटिव को इसके फर्स्ट टर्मिनल से और सेकेंड को मैंने इसके टर्मिनल से और इसका नेगेटिव मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा हुआ था, तो ये जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है ये पर्टिकुलर एक वैल्यू दिखाएगी, ठीक है। सपोज मैंने क्या कर लिया कि वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 10 आई है, ठीक है। अब मैंने एक ऐसा रेजिस्टेंस, जो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, इन दोनों की जो वायर्स है इनको यहाँ से आपने हटा देनी है और एज इट इज फर्स्ट को फर्स्ट और सेकंड को सेकंड के अंदर किसमें, इन हाई रेजिस्टेंस के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ वाली ये इससे कनेक्ट थी वो अब इससे कनेक्ट होगी, ठीक है। ये वाली जो इससे कनेक्ट थी ना, सेकेंड टर्मिनल जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट था पॉजिटिव से, वो अब ये वाला सेकेंड टर्मिनल मेरा गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव से, ठीक है। तब
ऐसा वैल्यू लेके चलना है इनका हाई रेजिस्टेंस पे कि जो अभी आपका अनोन रेजिस्टेंस जो है वो 10 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, वो 20 दिखा दे। कितने दिखा दे? 20 दिखा दे, या फिर इसको इनफाइनाइट कर दे, ठीक है, या फिर इसको इनफाइनाइट कर दे, ठीक है, यानी कि इसको यहाँ से बाहर कर दे, उसमें हाई रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दे दे, ठीक है, तो हम इसको हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बोल रहे हैं। फिर अब शंट भी तो कनेक्ट करना था, तो गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल हमें इसके एक टर्मिनल से, और जो सेकेंड टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर का उसको इसके शंट के सेकेंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना था। वो वैल्यू क्या करेगी? अभी तो आपने 0 to 10 किया था, मतलब 10 पे डिफ्लेक्शन अननोन की थी, तो 10 से 20 आपने हाई रेजिस्टेंस पे कर दिया। अब शंट की वो वैल्यू लेके चलो जिससे वो दोबारा से 10 से किस पे आ जाए आपकी, 20 से किस पे आ जाए, 10 पे आ जाए, 20 से किस पे आ जाए, 10 पे आ जाए, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा। देखो अब आपने क्या करना है, पहले तो जितना आपने एक्स के साथ डिफ्लेक्शन थी उसको नोट कर लोगे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन आपकी जब 20 पे हो जाएगी, यानी कि 10 से 20 हो जाएगी, उसको आपने क्या बोला है, आर बोला है, उसकी वैल्यू नोट कर लो, ठीक है। अब 20 से दोबारा जो 10 की वैल्यू कर रहा होगा रेजिस्टेंस, जो आपका शंट वाला है, उसको आप यहाँ नोट करोगे, ठीक है, और वो एक्चुअल में कितनी डिफ्लेक्शन आ गई आपकी डी और इसकी, उसको आप यहाँ नोट करोगे। और मेन क्या है, आर और एस की वैल्यू है, यानी कि ये सेम आ जानी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर ये डिफ्लेक्शन हमारी 7 सेंटीमीटर की थी तो ये भी हमारी 7 की आ जानी चाहिए, 10 की है तो ये भी 10 की आ जाएगी डिफ्लेक्शन इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर ये कह रहा है, तो सेंटीमीटर में ले लेना इनको, ठीक है। तो ये कहता है इस तरीके की हम इसके अंदर कर देंगे, ठीक, और आर और एस की वैल्यू आप यहाँ पे दे ही रहे हो, ठीक है, आर एस की वैल्यू यहाँ दे रहे हो और जी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। जो अप्रोक्सीमेटली जो हम यहाँ पे ये वाला लेके चल रहे हैं, ये वाला फर्स्ट वाला, इसकी वैल्यू है 1 मेगा ओम की। कितनी वैल्यू है इसकी? 1 मेगा ओम। तो जो मैंने आपको वैल्यूज बताई हैं, तो ये किसकी उसमें आ जाएगी, आपकी 1 मेगा ओम फॉर द फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि एक क्वेश्चन तो मेरे माइंड में भी ये पुटअप हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, आपका हाई रेजिस्टेंस जो हाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लेके चल रहे हैं ना, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी क्या कर दूं, मैं 10 मेगा ओम ले लूं, ठीक है, तो क्या 10 मेगा ओम की वैल्यू मैं हाई रेजिस्टेंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से 10 मेगा ओम जो हाई रेजिस्टेंस है अननोन जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि 10 मेगा ओम अगर इसका जो मान लो कोई भी हो इसके अंदर ये अननोन रेजिस्टेंस, क्या उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकते, हमने इसके अंदर भी इसको इसलिए यूज किया है क्योंकि ये 1 हमारे पास मेगा ओम का था अननोन रेजिस्टेंस, तो ये डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ शो कर रही है, ठीक है। जैसे ही जितना ज्यादा ज्यादा इसका अननोन रेजिस्टेंस होता जाएगा, वैसे ही हमारी गैल्वेनोमीटर दोबारा से डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर देगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हम हाई जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, अगर इससे हम क्या कर सकते हैं 10 मेगा ओम का नहीं निकाल सकते आपका अननोन रेजिस्टेंस, तो किसी तो वायर का होगा ना भाई 10 मेगा ओम से ज्यादा, फिर किसको यूज करोगे? तो मैंने आपको एक नाम बताया था, लीकेज मेथड, लीकेज मेथड, ठीक है। तो फिर हम किसको यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की जगह लीकेज मेथड को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास वाइवा के क्वेश्चंस आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये हमारे पास किसका है, आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट आ रहा है, वोल्टेज कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहे हो, इसका मतलब ओम्स लॉ, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस जहाँ है तो रेजिस्टेंस रिलेटेड जितने भी 12th की आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी यूज होने वाली हैं, ठीक है। चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे करंट हो, या वोल्टमीटर वोल्टेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो सारी चीजें तो आपकी रिवाइज होनी ही होनी चाहिए, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट, वो टेम्परेचर, ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होना चाहिए। तो यानी कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो वी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओम्स लॉ था।
सेकंड ये कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस हमने कब किया था, जब हम किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी दूसरे पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं, वो हमारा जस्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर हम सेल के जो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस ये कह दे कि वहां पे अगर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस जो वहां आता है उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या है आपका, किसी भी कंडक्टर में दैट वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज नोन एज द ओनली द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब हमारे पास क्या है, What is the meant by the specific resistance or resistivity? सबको पता है resistance is directly proportional to length upon में area of cross section. ठीक है, R is directly proportional to L by A. अगर directly को खोलते हैं तो वहां पे coefficient constant आता है जिसको हम resistivity बोलते हैं। ठीक है, तो resistivity किसके equal हो जाएगी, resistance into में A divided by L. इसका मतलब क्या है कि it is equal to the resistance of a wire of length of 1 meter across the cross sectional area of 1 meter square is known as the resistivity. ठीक है, अभी ये कहता है resistivity की क्या बताओ, unit बतानी है, तो resistivity की unit कितनी होती है, ohm meter, और resistance की सिर्फ ohm. ठीक है, रेजिस्टिविटी की कितनी होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की कितनी होती है हमारी, सिर्फ ओम होती है। ठीक है, अब ये कहता है वाई आर कनेक्टिंग वायर थिक एंड कवर्ड विद अ कॉटन थ्रेड, हम जो कनेक्टिंग वायर्स इसकी लेके चलते हैं उसको हम बिल्कुल थिक और थिक लेके चलते हैं, और कॉटन थ्रेड से क्यों कवर करते हैं इसके अंदर, वो इसलिए क्योंकि जो थिक कॉपर वायर होती है उसका निग्लेजिबल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, और दे आर कवर्ड विद कॉटन टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अगर एक आ गया वो, तो करंट जो है वो मतलब वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको कॉटन के साथ जो है वो कवर करके रखते हैं। उसके बाद ये है कि जो रियोस्टेट है उसको बनाने के लिए आप कौन कौन से मटेरियल का यूज कर सकते हो, तो हमने लास्ट भी देखा था कि रियोस्टेट या रेजिस्टेंस को उसके बनाने के लिए हम मैग्नीन या कंस्टेंटिन का यूज करते हैं। ठीक, अब हमारे पास आता है इसके अंदर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे, जिसकी वजह से उनका उनके बीच में कॉलिजन होगा और जो करंट है वो कम फ्लो होगा। इसका मतलब करंट कम फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर राइज करने पे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वायर का वो हमारा ज्यादा हो जाता है जैसे हम टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं। अब हमारे पास है हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर के जैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो हमें पता है कि जो हमारे पास लो रेजिस्टेंस है उसको अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम, तो हम फर्स्ट वाला केस बना सकते हैं, और हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कर दे तो हम अपना वोल्टमीटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहता है इज ओम्स लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ जो है वो आपका यूनिवर्सल लॉ है क्या, हमेशा डायरेक्टली जो वी है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है और आर वहां कांस्टेंट आता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली में जो ओम्स लॉ है वो ये कहता है कि वी और आई के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन हमारे पास जब हम सेमी कंडक्टर लेके चलते हैं तो वो हमारे पास जो है वो इस तरीके का जो स्ट्रेट कर्व है वो नहीं दे पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, फेल हो जाता है, हर जगह हम ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी आपका क्या है, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल वैनिश हो जाए, उस टेम्परेचर के ऊपर क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब एक ऐसी कंडक्टिविटी जिसपे करंट बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में आ रहा हो, अगर करंट मैक्सिमम है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाए, निग्लिजिबल हो जाए, वहां पे हम उसको सब्सटेंस को क्या कहते हैं कि वो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना वहां हो रहा है। ठीक,
अब है व्हाट हैपन इफ द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। अगर मैं वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो आप वहां पे उसको क्या बोलोगे, ठीक है। तो ये कहता है कि वोल्टमीटर को अगर मैं किसमें आपके सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो जो वो करंट है वहां पे वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, करंट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आ रहा है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द आइडियल वोल्टमीटर एंड एमीटर। आपके आइडियल रेजिस्टेंस की, जो आपका रेजिस्टेंस है वो आइडियल वोल्टमीटर और एमीटर के लिए क्या वैल्यू दिखाता है। तो वोल्टमीटर के लिए तो रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और एमीटर के लिए रेजिस्टेंस जीरो होता है, ठीक। अभी कहता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है कि किसी भी एक पॉइंट को, इलेक्ट्रिक पॉइंट को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट इज, व्हाई इज एन एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, ठीक। एमीटर जो है वो लो रेजिस्टेंस रखता है, हेंस टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट मस्ट पास थ्रू द एमीटर, हेंस इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये कहता है कि जो एमीटर है बेटा वो लो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, इसीलिए हमें उसको सीरीज में करना होता है। अगर वैसे ही उसके अंदर वो लो रेजिस्टर मतलब थोड़ा सा भी जितना भी करंट उसमें जाएगा तो उस, क्योंकि हम करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज कर रहे हैं जो कि लो रेजिस्टेंस का होता है, तो हमें उसको किसको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपके सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वोल्टमीटर को क्यों यूज करना पड़ता है पैरेलल में, क्योंकि वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, इसीलिए हमें उसको किस में करना पड़ता है, पैरेलल में करना पड़ता है। टू फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस द गिवन रेजिस्टेंस मिनिमम करंट पास थ्रू द वोल्टमीटर एंड मैक्सिमम थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब वोल्टमीटर के उसमें से करंट मिनिमम और जो रेजिस्टेंस है वो हाई उसमें हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस पोजेस करता है। अब ये कहता है कि state the law that governs the strength of current passing through a metallic conductor when a potential difference across is and its and illustrate this law graphically। तो बस वही है कि आपका जो हम लॉ बता रहे हैं इसमें कि V को I से कैसे relate करते हो, तो उसको हम Ohm's law से बता सकते हैं और ये एक linear यानी कि straight line का जो curve है वो show करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी हीट आपके पास आ जाए, अगर करंट पास कर रहा है आपका, ठीक है, तो आपको पता है अगर करंट पास हो रहा है तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट आता है, तो हीटिंग इफेक्ट को हम जूल थॉम्सन इफेक्ट से बताते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बेटा इसको ठीक कर लेना, अगर आप वीडियो को सुनोगे नहीं जस्ट स्लाइड देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें मिस्टेक्स क्या क्या है, ठीक है, इसीलिए पूरा सुनो। यहाँ पे आपका हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू कितनी है, H इज इक्वल टू आपका आई स्क्वायर आर टी होता है, आई टू आर टी नहीं है, आई स्क्वायर आर टी है ये, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन रेजिस्टेंस ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारा करंट फ्लो ऑफ करंट को क्या करे, अपोज करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। किन किन फैक्टर पे, मैंने बताया था कि R is directly proportional to L and inversely proportional to A, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, L and A पे डिपेंड करता है, और साथ में टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी P is stretched to reduce its diameter to half its previous value, तो न्यू रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये क्या कह रहा है, ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी P इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। तो अभी ये कहता है इसका डायमेंशन चेंज कर रहा है, लेकिन हमें पता है रेजिस्टिविटी में तो डायमेंशन कहीं है ही नहीं, इसका मतलब उसके डायमेंशन चेंज करने से हमारा रेजिस्टिविटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करता या लेंथ चेंज करता तो मैं समझ सकती थी, लेकिन इसने डायमीटर के बारे में बोला है, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं होगा, वो जस्ट एज इट इज ही रहेगा। स्टेट डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक करंट तो हम एम्पियर में मेजर करते हैं और एसआई यूनिट बतानी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है आपकी एम्पियर, और जो वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वोल्ट से वो करते हैं मेजर, ठीक है। अब ये कहता है व्हाट इज द एक्स, अब क्योंकि हम इसके अंदर कभी गैल्वेनोमीटर एक तरह से एक रेजिस्टेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस को शंट में कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन पैरेलल में कर रहे हैं, तो आपको रेजिस्टेंस पैरेलल में और सीरीज में कैसे होता है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कैसे करते हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आर प्लस आर प्लस आर इस तरीके से हो जाएगा, अगर पैरेलल के अंदर करेंगे तो 1/r + 1/r 2 + 1/r 3 करके टोटल आर इक्विवेलेंट वो दे जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन. ठीक है, तो टू प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम एक्सेस करंट, हम क्या करते हैं वहां पे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो करते हैं जिसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. वो हमारे पास क्या हो जाता है, जब एक्सेस अमाउंट में करंट वहां जाता है तो ये जो लो मेल्टिंग पॉइंट का है ये मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो ब्रेक हो जाएगा, जो कनेक्शन होंगे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा. तो मतलब जो हाई करंट जैसे वहां पे फ्लो करेंगे तो वो जो अपना जो हमने फ्यूज लिया हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे जो करंट है वो पास नहीं होगा, इसीलिए वो क्या हो जाता है एकदम से मतलब डिसकनेक्ट कर देता है उसको. तो ये हम कहते नहीं है कि भाई जैसे लाइट चली गई तो भाई फ्यूज उड़ गया, तो वो फ्यूज यही चीज है. ठीक है, उसके बाद ये कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द शंट. शंट क्या होता है, जो लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उसी को ही हम शंट बोलते हैं. फिर है वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर, क्या हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. हाँ, We can increase by the range by connecting the suitable resistance in parallel. अगर हम जो particular resistance उसको parallel में कर सकते हैं तो उसको increase कर देंगे. ठीक, उसके बाद इनके नहीं है तो इनको रहने देना. नेक्स्ट है आपका थ्री रेजिस्टेंस, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल टाइप है ये. ठीक है, इनको ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है ये छोड़ दो ये वाले, तो ठीक है ये न्यूमेरिकल इसको भी रहने दो. फिर है थ्री रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन टर्न ऑब्टेन द मिनिमम रेजिस्टेंस. ठीक है, और आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे. ठीक है, इनको रहने देना अभी. ठीक है, नेक्स्ट ये वाले कर लो. फिर ये है इसके अंदर व्हाई इज द गिवन मेथड नॉन एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो मैंने अभी बताया इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही क्यों बोलते हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम आर और एस के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जो हमने यहाँ पे देखो ये वाला किया था ना, ये वाला. ठीक है, हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को, इस और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे इसको इसके अंदर इसके फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है. एक्स को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, या जो भी निकला था उसको यहाँ कर दिया मैंने, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया. इसका मतलब मैंने क्या करा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया आपके, सब्स्टिट्यूशन मेथड दे दिया. ठीक है, अभी कहता है कैन व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग द हाई रेजिस्टेंस. नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, मैंने अभी आपको बताया, वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मेगा ओम के अंदर जा रहा है. मेगा ओम के अंदर जाएगा तो जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां कोई करंट ही नहीं जाएगा तो डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा. तो जब वो डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा तो इसका मतलब वहां पे कुछ भी वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, डिफ्लेक्शन वो मतलब मेजर ही नहीं कर पाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, How much resistance can be measured using the substitution method? हम 1 mega ohm या उसे कम का जो है उसको हम use कर सकते हैं. ठीक है, मैंने अभी बताया अगर हमें 10 mega ohm तक का use करना पड़ेगा तो हम उसके लिए leakage method को use करेंगे. ठीक, फिर है how can you measure very small resistance of the order of the fraction of this. ठीक है, अभी कहता है fraction of ohm, यानी कि बहुत कम resistance को अगर measure करना हो तो कैरी फॉस्टर ब्रिज से करेंगे. ठीक है, बहुत कम को करना हो तो कैरी फॉस्टर ब्रिज को करेंगे. फिर हमारे पास है हाउ शंट, ये सारे रिलेटेड कैसे, तो फॉर्मूला आपके पास था ही बेटा, आप उसके अंदर पुट कर सकते हो. ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपका, विच मेथड इज बीइंग एम्प्लॉयड टू यू बाय द डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. कौन सा यूज कर सकते हैं, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कर रहे हैं हम. ठीक है, भाई जो भी आपने लिया, ठीक है, पहले आपने डिफ्लेक्शन जैसे 10 ली थी, ठीक है, फिर हाई रेजिस्टेंस उसको 20 किया, शंट से उसे वो आधा कर दिया. ठीक है, फिर जो सिंपल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे थे रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो उसके अंदर आपने पहले 10 लिया और फिर बाद में शंट ऐसा लगाया जो उसका आधा कर दिया. ठीक है, आधा कर दिया, तो इसका मतलब आप हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को यूज कर रहे हो गैल्वेनोमीटर के साथ में. ठीक है, अभी कहता है ये तो आप कर लोगे और 10 mega ohm के लिए आप इसको यूज कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं कर पाएंगे, अभी बताया था मैंने. ठीक है, नेक्स्ट भी यही पूछ रहा है किसको यूज करोगे, तो हम क्या देंगे भाई, लीकेज मेथड को हम यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हैं और कनेक्शंस हैं ये मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ, रीडिंग्स आप कॉलेज के अंदर ले चुके हो. ठीक है, तो मेन आपके जितने भी इसके बनते थे मैं सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन करेंगे. यही आप मेरी जो मेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है वहां पे सेंड करोगे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.